हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक फ्री में। बिहार राज्य फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग बिहार सरकार की तरफ से फ्रेंड्स जो आवेदन लिए गए थे लगभग 6 महीना पहले, उसका पैसा आज यानी सोमवार को आ जाएगा। वो भी लगभग 4-4.5 लाख किसानों का आवेदन एक्सेप्ट हुआ है, बाकी के किसान रिजेक्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ये किस कारण से रिजेक्ट हुए हैं या इनका फिर से आवेदन हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स पूरी जानकारी को। सबसे पहले आपको मैं देखता हूँ, ये पेपर का कटिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 लाख किसानों के खाते में कल आएगा 215 करोड़, यानी कि आज फ्रेंड्स। तो 25 लाख आए थे आवेदन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, फसल कटनी के रिपोर्ट के आधार पर सहकारिता विभाग के आकलन में 2201 पंचायतों को क्षति पहुंची थी। पूरे बिहार में मात्र 2201 पंचायत, सिर्फ किशनगंज जिले के छोड़कर राज्य के सभी 37 जिलों में नुकसान हुआ था। कुल 25 लाख आवेदन आए थे, जांच में 4.5 लाख ही सही पाए गए, यानी कि फ्रेंड्स ये कई सारे 21 लाख आवेदन आपके रिजेक्ट हो गए। उसमें भी फ्रेंड्स 4.5 लाख में 2,97,000 आवेदन का ही सत्यापन अभी तक हुआ है, जिसमें कि 2,97,000 आवेदनों में 215 करोड़ रुपए कल यानी आज जारी किया जाएगा। बाकी के जो 1,64,000 आवेदन बचते हैं, उनका सत्यापन होना बाकी है। अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनको भी पैसा जल्द ही मिल जाएगा। तो ये पूरी खबर थी फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 20,000 तक का मुआवजा मिलता है फ्रेंड्स। इसका मैं अगला वीडियो आपको बुला के माध्यम से बता दूंगा फ्रेंड्स, किन किन लोगों का पैसा आया और किन किन लोगों का नहीं आया है। तो आपका फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट हुआ है फ्रेंड्स, या रिजेक्ट हुआ या पास हुआ है, वो आपको कैसे देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको बिहार राज्य फसल सहायता अधिप्राप्ति निबंधन के लिए क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होके आएगा। इस पर जब आएंगे तो महत्वपूर्ण सूचना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का निवेदित किसान के वितरणियों का आपत्ति दर्ज। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपत्ति अपना दर्ज करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP प्रदान करना है। उसके बाद आपका पेज पूरा खुल जाएगा। जिन जिन किसानों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या तो उनका दिख जाएगा, जिनका एक्सेप्ट हुआ है उनका दिख जाएगा। सबसे पहले अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको रजिस्टर करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, आधार नंबर चूज कर लेना है फ्रेंड्स। चूज करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे सिंपली क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ आने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP करके आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पूरा पेज ओपन हो गया। यहाँ आप अपने पंचायत के किसानों का नाम देख सकते हैं, जो भी आपत्ति है वहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं कि आपका रद्द हुआ है या पास। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।